हेलो गाइज, ज्ञान और मोक्ष की धरती गया में आपका स्वागत है। और हम लोग गया कल ही आ गए हैं और आप सभी को सुबह सुबह सुप्रभात मेरी ओर से। और मैं संतोष, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये देखिए मैं रेडी हो गया हूँ, आज कहाँ निकलना है देखते हैं गाइज। और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। गाइज मैं रेडी हो करके अभी मैं नाश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए मुझे नाश्ते में रोटी और सब्जी मिला है और अचार मिला है। तो मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। उसके बाद कहाँ कहाँ जाना होता है तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ गाइज, फिर आपसे मिलता हूँ। और ये देखिए गाइज हम लोग अभी निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ निकलना होता है, कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए सामने में अपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, गया सेंट्रल हॉस्पिटल, देखिए ये। और हम लोग का गाड़ी लगा हुआ है, देखिए। अब देखते हैं कहाँ निकलना होता है। मैं जिनको लेकर के आया हुआ हूँ वो कोई रिलेटिव के यहाँ आए हुए हैं। और देखिए मैं गाड़ी लगा करके मैं अभी गाड़ी पर बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे देखिए गणेश जी का मूर्ति है, जय श्री गणेशाय नमः। और देखिए ऑल न्यू होंडा अमेज कार है, इसका लुक देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। देखिए ये गाड़ी का पूरा सिस्टम है। देखते हैं गाइज यहाँ से कब तक निकलते हैं, फिर आगे मैं आपसे मिलता हूँ। ऊपर बैठा हुआ हूँ, देखिए अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का। और हाँ गाइज मेरे ब्लॉग को आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। और आपके इस छोटे भाई को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए इतना परिश्रम करके ब्लॉग लाता हूँ गाइज, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। और मैं प्रोफेशनल प्राइवेट कार ड्राइवर हूँ, साथ में ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग का ढेर सारा प्यार चाहिए मुझे और आप लोग से सपोर्ट चाहिए। करें गाइज ड्राइवर लाइन की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी प्रोफेशनल लाइन चुने, बस ड्राइवरी लाइन छोड़ करके जो भी आपका इच्छा हो वही करें। ये ड्राइवरी लाइन बहुत ही खराब लाइन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप, इसमें कोई आपको वैल्यू नहीं देगा और ड्राइवर का कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है। और ये देखिए गाइस मैं सोया हुआ था, जस्ट अभी अभी उठा हूँ मैं। और हम लोग 2 बजे निकले हुए थे उधर से, आकर के खाना उना खाया, उसके बाद 3 बजे सो गया था। देखिए मच्छर बहुत परेशान कर रहा है गाइज। तो अभी लगभग 7 बज गए हैं और 7 बजे मैं उठ रहा हूँ गाइज, आज दिन भर कहीं जाना नहीं हुआ। देखिए देखिए सोने से मेरा गला भी मोटा मोटा लग रहा है। अब उठते हैं गाइज, फ्रेश व्रेश होते हैं और चाय वाय पीते हैं। आज दिन भर घर में ही रहना पड़ गया गाइज। देखिए गाइज शाम होने से मच्छर से बहुत परेशान कर रहा है। देखिए इसी रूम में मुझे रहने का व्यवस्था मिला है। देखिए मैं सोया हुआ था, देखिए आगे उधर पंखा लगा हुआ है। अब उठते हैं और मच्छर वाला अगरबत्ती जलाते हैं गाइज, मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। देखिए मैं सोया हुआ था, देखिए मच्छर अगरबत्ती जलाना पड़ेगा, बहुत मच्छर लग रहा है गाइस।
आप यहाँ सोएंगे तो रात में लगता है कि मच्छर उठा के ले जाएगा, इतना मच्छर लगता है शाम शाम में। जलाते हैं गाइज मच्छर वाला अगरबत्ती। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, हम लोग कितनों भी मच्छर अगरबत्ती जला लेते हैं, मच्छर भागता नहीं है। और भगवान को कितना भी अगरबत्ती जला लीजिए, भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं। जय शिव शंभु, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। अगरबत्ती जला के फिर मैं आपसे मिलता हूँ गाइज। और ये देखिए गाइज, शाम का समय है देखिए। और ये देखिए यहाँ पे गया सेंट्रल हॉस्पिटल है। मैं थोड़ा मार्केट वगैरह में घूमता हूँ, दिन भर तो घर पे ही पड़े रह गया। देखिए गाइज ये आशा सिंह मोड़ है और मैं अभी इधर घूमने के लिए आया हुआ। और ये देखिए एक बैंड बाजा वाला जा रहा है इधर से, और हम लोग गया कॉलेज के पीछे में हैं, 200 मीटर पीछे हैं। और ये आशा सिंह मोड़ है और मैं अभी शाम शाम में घूमने के लिए निकला हुआ हूँ। ठीक है, मैं चौक तरफ निकला हुआ था, अब जाता हूँ रूम में। मैं इधर उधर घूम लिया। देखिए गया में हमारे एरिया में अमिताभ बच्चन 2 आए हुए हैं, जो टी फोर टाइट शहनशाह वाला जैकेट पहने हुए देखिए। और ये जैकेट का 35,000 रुपया दाम है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखिए। 1,20,000 की जैकेट है ये। हाँ देखिए बटने पर बटन लगा रहे हैं। 1,20,000 की जैकेट है देखिए। वाह जी, चैनल देखिए पहले सही है कि नहीं। यहाँ पे जितने भी आदमी थे सब स्टाफ थे, और देख ही सकते हैं कि कितना मस्ती कर रहे थे। एक यहीं के कुक हैं, वही जो जैकेट पहने हुए थे उन्हीं के ऊपर हम लोग मस्ती कर रहे थे। और हाँ गाइज, आज हम लोग कहीं नहीं निकले और दिन भर घर पर ही रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। और जो भी मुझसे ब्लॉगिंग होता है मैं आप लोगों के बीच लाने का कोशिश करता हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइज। और हाँ, आप लोग अगर नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ आपके इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। झारखंडी जोहार है।